दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा जिले में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं पूरे हरियाणा में घूम रहा हूं, पूरा फीडबैक ले रहा हूं, तो उसका फीडबैक ये है, यानी हुड्डा जी का कहने का लब्बो लुबाव ये है जो उन्होंने इस रैली में कहा और इससे पहले हरियाणा में जो घूमते फिरते उन्होंने प्रदेश की जनता की जो नवज टटोली, तो उसका सार उन्होंने ये बताया कि हरियाणा की 36 बिरादरी मनोहर लाल की भाजपा सरकार से बहुत दुखी है। ये अब तक की हरियाणा के इतिहास की सबसे कमजोर सरकार है, सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है, और जिस तरीके से हरियाणा की 36 बिरादरी ने भाजपा को हरियाणा की सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है, तो यदि आप मुझे मेरे जीवन में जो मैंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, प्रदेशवासियों के लिए संघर्ष किया है, मेरा प्रदेश के कांग्रेस और प्रदेश की जनता के हकों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मेरा जीवन सारा बीता है, और यदि मुझे आप हरियाणा का सीएम बनने का आखिरी मौका दो, ध्यान दीजिए उनकी ये मार्मिक अपील प्रदेशवासियों से कि मैं आपसे एक बार और अपील करता हूं कि मुझे प्रदेश की सेवा करने का आप मौका दें, हां करें, तो मैं इनसे टक्कर ले लूं, इनसे मतलब भाजपा से टक्कर ले लूं और इसे उखाड़ फेंकूं। यदि आप हाँ करते हो तो हाथ उठाओ और मैं वादा करता हूं कि मैं इस भाजपा मनोहर लाल की नकारा सरकार को उखाड़ फेंकूंगा। और उन्होंने इतने सुहाने वादे भी हरियाणा की जनता से किए कि यदि आपने मुझे एक मौका दिया, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक मौका दिया, मुझे मेरे जीवन के संघर्ष को, जितना मैंने संघर्ष किया है, उसके बदले जीवन के आखिरी दौर में मुझे आपने एक बार और हरियाणा का सीएम बनने का, उसकी सेवा करने का मौका दिया, तो मैं हरियाणा में एक तरीके से राम राज ला दूंगा। और जो भी हरियाणा वासियों की, जो भी प्रदेश की जनता की वर्तमान सरकार से शिकायतें हैं, चाहे वो महंगाई की है, चाहे बेरोजगारी की हैं, चाहे सड़क बिजली पानी की हैं, भ्रष्टाचार की हैं, उन सब से निजात दिला दूंगा, बस मुझे एक आखिरी मौका दो। तो दोस्तों, वाकई में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ये मार्मिक अपील थी, और मैं मानकर चलता हूं, या मैंने जो कांग्रेस जनों से अपील की है, बहुत लोग अपील उनसे बातचीत की है, तो उनका भी ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश की जनता को आह्वान किया है और एक आखिरी चांस उन्होंने प्रदेश की जनता से मांगा है, और हजारों लोगों ने जिस तरीके से हाथ खड़े करके उनके हाँ में हाँ मिलाई है, तो इसका असर शायद आने वाले राजनीतिक माहौल में पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के चुनाव हों, इससे संभवतया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, और जनता का झुकाव
एक बार फिर कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ हो सकता है। तो दोस्तों देखना ये है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि प्रदेश की जनता उन्हें एक मौका अवश्य दे, तो मैं पूरे तन मन धन से प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा और कोई कसर नहीं रहने दूंगा, उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। अब देखना ये है कि उनकी इस मार्मिक अपील जो उन्होंने एक जीवन में आखिरी मौका जो सीएम के लिए मांगा है, प्रदेश की जनता उसका पर उसको कितना समर्थन देती है, कांग्रेस को कितना समर्थन देती है, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की मार्मिक अपील पर वो कितना उनका साथ देगी, तो ये तो आने वाले वर्षों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से सिरसा की विशाल रैली थी और जितनी उसमें जनता उमड़ी थी और उनके हर एक बात पर जनसभा में उमड़ी जनता ने उनकी बातों का समर्थन किया, वो अजब गजब था। और लग रहा था कि आज भी जनता का बड़ा हिस्सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद करता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज मुद्दे की बात। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।